जिस तरह से अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वो अभी तक बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर जोगी जी जो उनकी सरकार उनकी पुलिस ने 120 का पर्चा दर्ज किया है और आईपीएस के तहत, तो क्या वो कानून का सम्मान कर रहे हैं? मोदी जी, मोदी सरकार अपने कानून का खुद सम्मान नहीं कर रही और कानून का सम्मान करने की, कानून का काम करने की बातें की जा रही है। जिस तरह सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई उसकी आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, ये साजिश सरकार की खुद की है। और जिस तरह से सरकार हमें बदनाम करने पे लगी है, उसे जवाब देना चाहिए कि उनके मंत्री अभी बाहर कैसे घूम रहे। किसान आगू सरवन सिंह पंधेर ने वख-वख मुद्दियां ते केंद्र दी मोदी सरकार नूं निशाने ते लिया। पंधेर दा कहना है कि सरकार नूं खेती कानून वापस लेने पैणगे। नाल ही पंधेर ने लखीमपुर मामले ते प्रतिक्रम देंदिया यूपी सरकार ते हरियाणा सरकार ते वी तंज कसिया है। पंधेर दा कहना है कि केंद्र सरकार किसान अंदोलन नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रही है। मैं सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटर बोल रहा हूं। जिस तरह से अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वो अभी तक बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर जोगी जी जो उनकी सरकार उनकी पुलिस ने 120 का पर्चा दर्ज किया है और आईपीएस के तहत, तो क्या वो कानून का सम्मान कर रहे हैं? मोदी जी, मोदी सरकार अपने कानून का खुद सम्मान नहीं कर रही और कानून का सम्मान करने की, कानून का काम करने की बातें की जा रही है। जिस तरह सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई उसकी आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, ये साजिश सरकार की खुद की है। और जिस तरह से सरकार हमें बदनाम करने पे लगी है, उसे जवाब देना चाहिए कि उनके मंत्री अभी बाहर कैसे घूम रहे। आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन होगा, लखीमपुर खीरी के जो भी दोषी हैं उनको अंदर जेल के अंदर जाना पड़ेगा, मोदी जी आपको पकड़ना पड़ेगा। अजय मिश्रा जी तैयार हो जाइए जेल के लिए, देश से बड़े नहीं हैं। मोदी जी की सरकार देश के किसानों मजदूरों से बड़ी नहीं है। आज करोड़ों लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इस बात का विरोध करेंगे। आप समझते हैं कि आपके पापों के ऊपर पर्दा पड़ेगा, यह कभी नहीं पड़ने वाला है। जो कुछ आपने लखीमपुर खीरी में किसान के खून के साथ होली खेली है, इससे पहले खट्टर सरकार ने हरियाणा में जिस तरह से किसानों के खून के साथ होली खेली, पूरा देश देख रहा है। आप देखिएगा, आपको कृषि के कानून वापस भी लेने पड़ेंगे, हमारी मांगे माननी पड़ेगी और जो दोषी हैं लखीमपुर खीरी घटना के उन्हें अंदर भी करना पड़ेगा। और इस तरह की सरकार जो पेट्रोल डीजल के दाम 35-35 रुपए प्रति लीटर बढ़ा रही है, जिस तरह प्याज और टमाटर के दाम कितने अधिक हैं और जो पैदा करने वाले लोग हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिस तरह से पहले हिमाचल का सेब लूटा गया और अब किसानों के साथ किस तरह की धांधली की जा रही है, ये देश देख रहा है। दस दी कि खेती कानूनों के खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है ते नाल ही किसानों वल्लों सियासी आगुआं दा विरोध भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी च भी भाजपा आगुआं दा विरोध करते हुए 4 किसान शहीद हो गए सन। इसे दे चलदियां संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नूं लैके अज रेलां रोकण दा सद्दा दिता गया सी। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबस्क्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात ते जानो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ए प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बणन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।